हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMkC चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक लंबी अवधि के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर लेके आया हूं, जिसका नाम आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो, बिरला केबल लिमिटेड। बहुत ही अच्छी कंपनी है फ्रेंड्स, प्रॉफिटेबल कंपनी है। हाल ही में इनके फाइनेंशियल रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुके थे फ्रेंड्स, और जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट आए हुए हैं, जिसके चलते इस कंपनी में दो दिन लगातार अपर सर्किट चल रहा है। कंपनी का जो ये अमाउंट आपको दिख रहा है 210.90, ये इसका ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ये यही संकेत दे रहा है कि कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। आपको थोड़ा बात बताना चाहता हूँ, 5 दिन पहले ये कंपनी 200 रुपये पे चलता था शेयर। उसके पहले, एक महीने पहले अगर आप लेते तो ये कंपनी का शेयर का वैल्यू था 139। एक साल पहले अगर आप लेते तो 58, और अगर 5 साल पहले लेते तो 13 रुपये के करीब करीब ये शेयर चलता था। तो ओवरऑल यही इंडिकेशन दे रहा है कि कंपनी ग्रोथ कर रही है, चाहे वो स्लो क्यों ना हो, पर कंपनी ग्रोथ में है, प्रॉफिटेबल है। और हाल ही में इनके जो रिजल्ट आए थे वो भी अच्छे थे, उसी के मध्य चलते हुए ये कंपनी में दो दिन लगातार अपर सर्किट लग रहा है। आज भी इसका अगर आप क्लोजिंग देखोगे, अगर गौर से देखोगे तो ये अपर सर्किट लग के ही क्लोज हुआ है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है फ्रेंड्स, लंबी अवधि के लिए बहुत ही अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है। तो और कुछ इनके आपको मैं बातें बताना चाहता हूँ। निफ्टी पे आप देख सकते हो, ये देखिए इनका करंट लेवल आज का 210.90, और अगर 52 वीक्स हाई आप देख सकते हो वो भी है 210.90, और अगर आप देख सकते हो ये नवंबर 20 मतलब आज ही की बात है, तो आज ही ये टारगेट इन्होंने अचीव किया है, 52 वीक्स हाई पे चल रहा है। फ्रेंड्स, गौर करने वाली बात ये है, आप सभी को पता है निफ्टी बीच में बहुत ही करेक्शन के वजह से नीचे डाउन हुआ था। इतना डाउनफॉल होने के बावजूद ये कंपनी आप देख सकते हो कितना अच्छा स्पीडी रिकवर करके अपना ऑल टाइम हाई बना रही है। ये संकेत देता है कि कंपनी के जो फंडामेंटल है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इनके कंपनी के इन्फॉर्मेशन थोड़ी देख लेते हैं, तो ये देखिए इनका नेट प्रॉफिट के बारे में बताना चाहता हूँ। मार्च का नेट प्रॉफिट क्वार्टर वाला आप देख सकते हो 891 था, ऑब्वियसली लैक्स में है फ्रेंड्स। उसके बाद का क्वार्टर आप देख सकते हो 30 जून वाला 1105, मतलब करीब करीब 200 लाख का प्रॉफिट एक क्वार्टर में इन लोगों ने 3 महीने में कमा लिया। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, और अभी के आए हुए फाइनेंशियल रिजल्ट भी इनके बहुत ही अच्छे पॉजिटिवली थे, इसलिए कंपनी ऑल टाइम हाई पे चल रही है। चलिए इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इनका प्रमोटर्स का होल्डिंग देखिए 66%। वाव, मतलब कितना अच्छा प्रमोटर्स का होल्डिंग है। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ प्रमोटर्स का होल्डिंग ज़्यादा होना चाहिए, तो वो कंपनी का परफॉर्मेंस करने का प्रोबेबिलिटी, अच्छा करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर प्रमोटर्स के पास ज़्यादा शेयर रहेंगे तो वो अपना कंट्रीब्यूशन कंपनी में अच्छा देने का ज़्यादा कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी के शेयर में अगर अच्छा खासा रैली होता है, अगर कंपनी का शेयर अच्छा खासा वैल्यू हाई हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको होगा? प्रमोटर्स का होगा। क्यों? क्योंकि इनके पास ही 66% शेयर है। तो यही आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आज बिरला केबल का जो शेयर हाई पे है तो सबसे ज़्यादा खुशी उनके प्रमोटर्स को ही होंगी। क्यों? क्योंकि इनके पास 66% शेयर है और ये प्रॉफिट में, अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो वीडियो को क्लोज करते हुए मैं आपको 4 बातें वापस रिपीट करना चाहता हूँ। आप देख सकते हो कंपनी का शेयर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, 52 वीक्स हाई पे चल रहा है। उसके बाद सेकेंड बात आप देख सकते हो कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मतलब अभी निफ्टी में इतनी भारी गिरावट आने के बावजूद ये कंपनी कमबैक जो किया है वो बहुत ही अच्छा किया हुआ है। तीसरा, प्रमोटर का होल्डिंग आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। और चौथा, नेट प्रॉफिट, कंसिस्टेंटली इनके नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है। तो ये चारों इंडिकेटर आप देख सकते हो कि ये संकेत दे रहे कि ये कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो बहुत ही अच्छा शेयर है। पर आखिर में जाते वक्त मैं हमेशा आपको कहता हूँ, क्योंकि पैसा आपका है, तो डिसीजन लेने से पहले प्लीज़ एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ ज़रूर कंसल्ट कीजिए, और उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। सो आई होप, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। और हाँ, अगर इस चैनल में अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी क्लिक कीजिए, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।